हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 75 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इनकमिंग कॉल आता है और रिंगटोन की साउंड की आवाज़ भी आती है, लेकिन इनकमिंग कॉल आपकी स्क्रीन के ऊपर की साइड आपको शो नहीं होती है, तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको जो है ना, अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन के साइड में जो पावर बटन होता है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलेगा, रीस्टार्ट पे टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है ना, तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। जैसे कि मोबाइल फोन हैंग करता है, इनकमिंग कॉल स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो रीस्टार्ट करने से मोबाइल फोन को सॉल्व हो जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं चलता है, तो जिसके कारण अब सिस्टम अपडेट ना होने की वजह से हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर कुछ कमियां आना शुरू हो जाती है। तो मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट है या नहीं आपको ऐसे चेक करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा सिस्टम अपडेट का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या ऑप्शन नजर आता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है वो अपडेट होने लग जाएगा। सिस्टम को अपडेट होने में 5 से 10 मिनट या आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा भी लग सकता है, तो आपको सिस्टम अपडेट का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होने देना है। सिस्टम अपडेट हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में जो प्रॉब्लम है ना, स्क्रीन इनकमिंग कॉल आने पर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना, जिस ऐप में आपकी जो है इनकमिंग कॉल की जो प्रॉब्लम आ रही है, उस ऐप को आपको रीसेट करना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी जो इनकमिंग कॉल, आपकी जो फ़ोन ऐप है, कॉलिंग का ऐप होता है आपका, नॉर्मली कॉलिंग के ऐप में आपकी इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रही है, तो इस ऐप को आपको रीसेट करना है। कैसे करना है, देखिए आपको ये जो ऐप है उंगली से आपको दबा के रखना है, ठीक है। तो एक छोटा सा पेज ओपन हो जाएगा, इस पेज में आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलेगा, या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा, इसे आपको टैप करना है। तो इसके अंदर आपको ये पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड कैच का, इसे आपको टैप करना है। तो यहां पर आपका ये पेज ओपन होगा ना, इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। तो पहले आपको इसे क्लियर कैच पे आपको टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे आपको टैप करना है, तो आपका डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आप जो इस ऐप को रीसेट कर देंगे तो आपकी इनकमिंग कॉल जो स्क्रीन पे शो नहीं होती है, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जिस इस वाले ऐप को आपको अपने प्ले स्टोर में जाके अपडेट भी कर लेना है, अगर अपडेट नहीं है तो, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, यहां पर आपको आखिरी प्रोसेस करना क्या है, मोबाइल फोन को आपको रीसेट करना है। कैसे करेंगे, देखिए आपको जो है ना, मोबाइल फोन का यहां पर जो है सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करेंगे तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर शो नहीं होती, वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहां पर आपको रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात यह कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है, उन सभी डेटा का आपको बैकअप ले लेना है या फिर अपने दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात यह ध्यान रखनी है, अपने मोबाइल फोन का जो जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड है, वो भी आपको पहले लिख के रख लेना है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है रीसेट करने से पहले। तो ये सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए तो आपकी जो प्रॉब्लम है इनकमिंग कॉल स्क्रीन पर शो नहीं होती है, वो सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन को मोबाइल फोन के सर्विस सेंटर जाना, वहां पर दिखा देना, वहां पर आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर की प्रॉब्लम की वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है ना। अगर हार्डवेयर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आपको अपने मोबाइल फोन को लास्ट में एक बार सर्विस सेंटर जरूर ले जाना है, ठीक है ना।